चोटी किसकी, किसकी चोटी देखी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल यात्रा मास्टर पर, और मैं हूं इस समय, जैसा कि आपको पता है, इस समय मैं राजस्थान के 5-6 दिन के टूर पे हूं, और इस समय मैं खड़ा हूं माउंट आबू में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी जगह पर जो बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही खतरनाक भी है। तो आप बने रहिएगा मेरे इस पूरे ब्लॉग में, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जब भी जो वीडियो में आप देख रहे हैं जिस जगह पर अगर माउंट आबू आएँ और जाएँ तो सावधानी से जाएँ। तो आइए चलिए मेरे साथ ये वीडियो देख। पुदीना खाओ। नहीं, मैं पुदीना नहीं खाऊंगा भाई साहब, पुदीना नहीं खाऊंगा। अब गाड़ी चलाएगा हरी और मैं बैठूंगा अब साइड में। मैंने सुबह से लेके पूरे दिन बहुत गाड़ी चला ली इसने, तो तूने यार थोड़ी देर चलाई थी 150-150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर तो निकाल दिया होगा। अच्छा, अब चलेंगे अपन गुरु शिखर। दोस्तों यहाँ अगर आप देखो, मैं बताऊँ, माउंट आबू पहुँचने के लिए आप जयपुर से, जोधपुर से, दिल्ली से, आप कहीं से भी, जोधपुर से, जैसलमेर से, आप कहीं से भी डायरेक्ट बस पकड़ के आ सकते हैं। और ट्रेन से अगर आना चाहें तो नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो आबू रोड पड़ता है नीचे, और उसके बाद में 27 किलोमीटर आपको ऊपर हिल पर आना पड़ता है। और एयरपोर्ट की अगर आप बात करें तो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो यहाँ से उदयपुर पड़ता है, जो लगभग 180-185 किलोमीटर पड़ता है। उदयपुर से आप आ सकते हैं, और यहाँ आने के बाद में अगर आपको आराम से मोटरसाइकिल, बाइक है, स्कूटी है, ये आप ऑन रेंट ले सकते हैं घूमने के पर्पज़ से। टैक्सी वगैरह ये भी मिल जाएंगी आपको, सारी सुविधाएँ यहाँ पर हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि आप यहाँ अगर बस या ट्रेन से आते हैं, अपने व्हीकल के द्वारा नहीं आते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप अकेले हैं या दो हैं तो आपको बाइक रेंट पे लेना चाहिए, वरना टैक्सी सुविधा सबसे बेटर है। और आप अपना खुद का व्हीकल लेके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना व्हीकल लेकर के सारे जो यहाँ के पॉइंट हैं उनको विजिट आराम से कर सकते हैं। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, पानी वानी पी लो। और अब चलते हैं, अपन आ गए हैं यहाँ गुरु शिखर, यही पार्किंग स्थल है, ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, गाड़ी को यहीं पार्क करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें ऊपर जाना पड़ेगा। अपन चलते हैं अब ऊपर। ये सबसे माउंट आबू का सबसे फेवरेट पॉइंट है। यहाँ जो पर्यटक आते हैं, लोग देखने माउंट आबू जो घूमने आते हैं, वो हर व्यक्ति यहाँ ज़रूर आना चाहता है। गुरु शिखर ये राजस्थान की सबसे ऊँची चोटी है। आप चल रहे हो ये सर समुंदर सिंह जी जाते हुए गुरु शिखर की चोटी की चढ़ाई चढ़ते हुए। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बहुत ही तरह तरह के वीडियो, आकर्षक वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। वाह भाई वाह, अभी तो इतनी दूर पैदल जाना पड़ेगा देखो ऊपर। ये गुरु शिखर तक ऊपर तक पूरी दुकान हैंडीक्राफ्ट्स की, विभिन्न आइटम्स की दुकानें, यहाँ आप चाहे जो आपके पसंद का सामान यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये व्यू देखिए, यहाँ से आप सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त का बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से।
मैं ऊपर चल के और दिखाऊंगा। और ये सारा माउंट आबू जो सिटी है वो सारा नीचे रह गया, उन पहाड़ों के बीच में है। और ये इधर नीचे का व्यू ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये क्या शानदार नज़ारा है यहाँ से सनसेट का, गुरु शिखर से। अभी मैं बिल्कुल ऊपर नहीं हूँ लेकिन नीचे से आपको नज़ारा दिख रहा हूँ रास्ते में से। ये देखिए, ये गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है इधर। आइए आइए, अरे आ जाओ भाई ये देखिए दोस्तों, अब हम इस शिखर के जो गुरु शिखर बोलते हैं उसके टॉप पे हैं। ये एक सामने मंदिर है गुरु दत्तात्रेय का, ऊपर एक चट्टान के रूप में बना हुआ है। और ये सामने देखिए, ये इस समय सनसेट का समय है, टाइमिंग है। और बहुत ही शानदार नज़ारा सनसेट का यहाँ गुरु शिखर से दिखाई देता है। बहुत कम लोग ये नज़ारा देख पाते हैं और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, सनसेट एट गुरु शिखर माउंट आबू। और अब मैं आपको देखो ये इधर का नज़ारा दिखाऊँ, ये नीचे नीचे का व्यू है, पूरा झील, नदियाँ, खेत। और एक मिनट में चारों तरफ का व्यू दिखाऊँ यहाँ से आपको, पूरी पहाड़ियों का, पर्वतों का, नदियाँ। नीचे आपको देखो दूर कहीं पानी दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ बहुत दो तीन बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं, बहुत वजनी घंटे हैं। बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों, मैंने ये पूरा टूर गुरु शिखर का। वैसे मेरा मकसद ये है कि मैं माउंट आबू के सभी जो स्पॉट्स हैं उनका पर्सनल वीडियो आपको, एक एक वीडियो अलग अलग बना के दूँ। ये जो चोटी है वो राजस्थान की सबसे, लगभग 1727 मीटर ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, और सिरोही ज़िले में स्थित है। माउंट आबू से लगभग 15 किलोमीटर पड़ती है। आप माउंट आबू से पर्सनल व्हीकल या मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह जो भी है, या आपके पास खुद का व्हीकल है तो वो लेकर के आ सकते हैं। नीचे पार्किंग है और लगभग 400-500 मीटर आपको सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर आना पड़ता है। जब भी आप माउंट आबू आएँ तो इस स्थान का, गुरु शिखर का विजिट करना कतई नहीं भूलें। बहुत ही शानदार पैलेस है, शानदार जगह है। और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अंशु, क्या देखा यहाँ आकर के? क्या देखा? पहाड़ देखा? चोटी किसकी? किसकी चोटी देखी? तो दोस्तों ये व्यू यहाँ के सारे, और ये गुरु शिखर तक की यात्रा। मैं चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।